और वहीं बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश को कल एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो तक चलेगी। कल पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। इससे पूरे बुंदेलखंड को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि खजुराहो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र है। इस इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां कल मध्य प्रदेश को एक और वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन यानी कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से खजुराहो तक चलेगी और कल पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे पूरे बुंदेलखंड को लाभ मिलेगा, क्योंकि खजुराहो वैसे ही पर्यटक क्षेत्र माना जाता है और अगर वहां पर वंदे भारत ट्रेन चलती है, खासतौर पर देश की राजधानी से खजुराहो तक चलती है, तो ये उम्मीद है कि टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, खजुराहो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र है। इस इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। तो अभी नई दिल्ली स्टेशन से राजधानी भोपाल तक एक वंदे भारत ट्रेन है और अब एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। कल मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात देंगे। हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो तक ये ट्रेन चलेगी, तो बुंदेलखंड क्षेत्र को इस ट्रेन से लाभ पहुंचेगा। इसी के साथ खजुराहो में टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। तो खजुराहो से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और यहां की जनता को एक बड़ी सौगात। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे प्रमोद शर्मा, इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, खजुराहो से तक एक और वंदे भारत चलेगी नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से, कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है और कितना बड़ा सियासी फायदा बीजेपी को इससे? 12 तारीख को वो दिन होगा यानी कल पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे और वर्चुअली जुड़ेंगे कौन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र खजुराहो उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी भी बनाया। देखिए, वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट होगी खजुराहो से सीधा कहां, निजामुद्दीन तक यानी दिल्ली पहुंचाएगी। आवाजाही एक तो कम समय में तय होगी, दूसरी बात क्या है, खजुराहो देखिए पूरा विदेश में या देश में हर कोई खजुराहो की कलाकृतियों को लेकर जानता है और एक बड़ी पहचान रखने वाला पर्यटन क्षेत्र है खजुराहो। और वहां से यदि वंदे भारत दौड़ेगी तो आप समझ लीजिए दिल्ली से सीधा कनेक्ट होगा और जो लोग हवाई यात्रा के जरिए खजुराहो सीधा नहीं पहुंच पाते, अब वो वंदे भारत ट्रेन के जरिए आवाजाही करेंगे। कुल मिलाकर पूरे बुंदेलखंड को एक बड़ा फायदा होगा, जो यात्री हैं उनको सुगमता से वो सफर कर सकेंगे और कम समय में दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। एट द एंड देखिए, लंबे समय से ये मांग चल रही थी प्रेरणा के वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, लेकिन ये आप मान सकते हैं कि टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसका रूट क्या क्या होगा, कौन से क्षेत्र से होकर गुजरेगी, ये देखना होगा। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।